हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मनी और बैंकिंग। एज मनी एंड बैंकिंग क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मनी से। एज मनी इज व्हाट मनी डज, मनी क्या है जो मनी करती है, एक्सप्लेन इट। ये बहुत ही इजी, सिंपल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। तो मनी इज व्हाट, मनी क्या है, मनी जो काम करती है वही मनी है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कुछ नहीं हुआ करता था, हम बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे चीज़ों को लेने देने के लिए। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास मनी है एज अ सोर्स ऑफ एक्सचेंज, तो हम लोग मनी से सब चीज़ें खरीदते हैं और उसकी पेमेंट कर सकते हैं, उसका मेजर ऑफ वैल्यू पता कर सकते हैं। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है मनी इज व्हाट मनी डज, जिसमें हमें आंसर देना है सिंपल मनी की डेफिनेशन से। सो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ इकोनॉमी। ये बहुत ही छोटी और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो आप इजीली समझ सकते हैं और पेपर में लिख सकते हैं। एंड इज आल्सो एक्ट एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, चीज़ों को मेजर करने के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को जमा करना, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में किसी पेमेंट करनी है या फिर आपको आप पैसे जमा करके रखते हो तब भी आपकी कोई मुसीबत की घड़ी आए तो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, बहुत सारी चीज़ों की पेमेंट के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। मनी के यूजेस से ही मनी के फंक्शंस निकल के आते हैं। फंक्शन ऑफ मनी, एज वी आर कंसिडर, फंक्शंस को हमने दो भागों में बांटा है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो सबसे पहले मनी के जो उद्गम हुआ है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए ही हुआ है। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, चीज़ों का मेजर करना। पहले हम लोग क्या करते थे, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ जब लेते थे तो हमें पता नहीं था कि इस चीज़ का मूल्य कितना है और इसका कितना है। मान लीजिए आपको एक किलो गेहूं चाहिए, तो जिसके पास गेहूं है वो गेहूं देगा और जिसके पास सब्जी है वो सब्जी देगा। लेकिन आज आपको भी पता है कि गेहूं का रेट अलग होता है और सब्जी का रेट अलग होता है, तो दोनों को हम कॉमन वैल्यू नहीं पता लगा सकते, लेकिन मनी की वजह से ये बहुत पॉसिबल हो पाया है। सेकेंडरी फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले स्टोर ऑफ वैल्यू मुमकिन नहीं था जब बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे, उसी के कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से जो ये आज मनी के फंक्शन है वो आप पढ़ रहे हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, चीज़ों को स्टोर करना, पैसा स्टोर करके रखते हैं आज हम, जो हमारे आगे वाले समय में हमारे काम आता है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मुश्किल समय की पेमेंट के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं आपको शेयर्स खरीदने हैं, डिबेंचर्स खरीदने हैं, बॉन्ड्स खरीदने हैं, इन सब चीज़ों में भी आप अपने जमा किए हुए पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, एक इकोनॉमी में मनी कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती है, मनी का जो मेजर है वो कैसे किया जा सकता है। एज यू नो डेट, आप सभी को पता है मनी बहुत सारे रूप में है। मनी करेंसी और नोट्स के रूप में हमारे पास है, कॉइन्स के रूप में हमारे पास है, साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स के रूप में हमारे पास है। तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, सिंपल फॉर्मूला, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, वेयर C स्टैंड फ्रॉम करेंसी विद पब्लिक, DD स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक, एंड OD डिपॉजिट फॉर विद रिजर्व बैंक। सिंपल ये है, पैसा आज हमारे हाथ में है, अभी आपके पास। अगर मैं इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी को मेजर करना चाहूँ तो जो भी करेंसी आपके पास है, जो भी आपकी करेंसी आपने बैंक में जमा करा रखी है और जो भी करेंसी अभी रिजर्व बैंक के पास है, वही टोटल मनी है आपकी। दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी, और वी कॉल्ड सब मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इट मीन्स वॉट इज द कैलकुलेशन ऑफ M1, सिंपल। नेक्स्ट इज हु इज द सप्लायर ऑफ मनी, हु सप्लाईज मनी इन इकोनॉमी। सिंपल, पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई करना 3 लोगों का काम है। पहला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मनी सप्लाई करती है, यस, थ्रू द फाइनेंस। जब भी गवर्नमेंट कोई डैम, मेट्रो प्रोजेक्ट इस्तेमाल करती है तो इन प्रोजेक्ट्स के जरिए हमारी इकोनॉमी डेवलप तो होती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट मनी जो है वो मार्केट में डालने का काम करती है। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती है, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है, और रोज़गार जब बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ता है, तो मनी की सप्लाई होती है। सेकेंड इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता है थ्रू CRR एंड SLR एंड रेपो रेट, बैंक रेपो रेट, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम बैंकिंग वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। पर फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि RBI भी मनी को जो मार्केट में एक्सपेंड करता है, सप्लाई करता है विद द यूज ऑफ SLR एंड CRR। जब मनी को बढ़ाना होता है, सप्लाई को बढ़ाना होता है, वो SLR CRR कम कर देता है। जब मनी सप्लाई कम करनी होती है तो वो CRR SLR को बढ़ा देता है। थर्ड इज कमर्शियल बैंक। एज कमर्शियल बैंक तो डायरेक्टली मनी सप्लाई करते हैं, जब भी हम लोन लेने जाते हैं वो मनी सप्लाई ही है। तो एडवांसिंग लोन जो कि एक काम है कमर्शियल बैंक का, जिसके जरिए वो मनी सप्लाई करता है इकोनॉमी में। तो देयर आर 3 सप्लायर्स ऑफ मनी इन अ इकोनॉमी।
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एज पैटर्न चेंज होने के बाद हमारे पास 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर की वेटेज भी 6 मार्क के, इसमें 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं, हाई पावर्ड मनी, व्हाट इज़ फेट मनी, व्हाट इज़ बैंक मनी, क्रेडिट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। ये कुछ क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकिंग, जो कि बहुत एक बड़ा अच्छा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। ऑब्वियस ही बात है, बहुत दोनों चैप्टर मिला के एक वेटेज बनती है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो बैंकिंग में से आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे पढ़ेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेरी में ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।